नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से सुमित को धक्के मारकर घर से बाहर निकालती हैं इस समय इसलोक की माँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस समय इसलोक ने जो बोला है कि मैंने तुमसे शादी नहीं की है, क्योंकि दोस्तों इसलोक को पहले ही डराया धमकाया जा रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि रौनक और शगुन दोनों ने ही धमकाया है ताकि किसी भी तरीका से सुमित को वापसी हमारे घर ही आना पड़े और हम इसको फिर एक बार फिर से टॉर्चर करें। क्योंकि दोस्तों किसी को टॉर्चर करने के लिए कोई इतना गिर सकता है ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी ट्विस्ट लाते हुए नजर आ रही है, जहाँ पर सुमित ने बोल दिया है कि मैं भी मीत हुड्डा की बेटी हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। और वाकई में दोस्तों सुमित अब किसी भी तरीका से हार ना मानने के लिए तैयार है। उसने बोल दिया है कि जो होगा अब उसे मैं देख लूंगी और डंके की चोट पे देखा जाएगा, जो हो रहा है मेरे साथ में हो तो गलत ही रहा है। लेकिन दोस्तों वहीं पे ही शगुन की बात की जाए तो शगुन ने लाख कोशिश कर ली इस समय सुमित को तोड़ने के लिए, लेकिन दोस्तों सुमित का भाई साथ है और सुमित के भाई राज ने बोल दिया है कि हम देखते हैं कि हमसे हमारा वजूद कौन छीनता है, ना हम कभी किसी से डरे थे, ना हमारी माँ डरी थी और ना हम डरेंगे। वाकई में दोस्तों कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई ट्विस्ट लगातार लाती हुई नजर आ रही है। सभी लोग आखिरकार थोड़ा नहीं बल्कि इस समय बेहद ज़्यादा चिंतित भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कहानी में लगातार आप लोग जानते ही हैं कि लगातार अपेक्षाएँ पर अपेक्षाएँ देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाली कहानी में जहां सुमित करेगी एक बहुत बड़ा पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा गाइस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।